भारत ने इतिहास रच दिया है और पहुंच गया है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। जी हां, भारत का जो सपना था वो पूरा हो चुका है। चंद्रयान 3 मिशन सफल हो गया है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान सफलतापूर्वक उतर चुका है। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है, क्योंकि आज तक विश्व के कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग के कारण यह क्रैश कर गया था और भारत को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से हम भारतीयों ने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जो सबसे श्रेष्ठ है, और इसका श्रेय जाता है सिर्फ इसरो के उन वैज्ञानिकों को जो इस मिशन के लिए कड़ी मेहनत की है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग से न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को चांद से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि आज से पहले भले ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका चांद पर पहुंचा है, लेकिन उन्होंने चांद के रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहा है। रूस चांद तक पहुंच गया है, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं सका है। चांद पर चीन का स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहली सुलझ न सके। मगर अब मून के साथ पोल पर चंद्रयान 3 के लैंड होने से पूरी दुनिया को ये पता चलेगा कि चांद पर पानी भी है, क्योंकि चंद्रयान 1 में ही चांद के साथ पोल पर बर्फ के फॉर्म में पानी होने की संकेत मिले थे, लेकिन इस बार पूरी पुष्टि की जाएगी। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 के जरिए चांद के उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाया जाएगा जो अब तक कभी भी सामने नहीं आया है। भारत का सबसे पहला मून मिशन चंद्रयान 1 था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसमें सिर्फ ऑर्बिटर था जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इसके बारे में स्टडी किया था। सेकेंड मून मिशन चंद्रयान 2 था, जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था और 7 सितंबर को क्रैश कर गया था। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो अप मिशन है। इसे 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट LVM-3 द्वारा लॉन्च किया गया था और यह पूरे 40 दिनों की जर्नी पूरी करके 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। भारत के लिए यह गौरवपूर्ण है और ऐतिहासिक उपलब्धि भी। इस इमेज को देखिए, यह इमेज उस समय का है जब चंद्रयान 3 चांद की चक्कर लगाते समय लिया है। इसके बाद चांद के सतह का यह इमेज देखिए, यह इमेज उस पल का है जब चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम लैंडिंग हो रही थी और लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 द्वारा लिया गया यह पहला इमेज चंद्रयान सतह का है, जिसमें साइड से लैंडर के एक स्टैंड का शैडो भी दिख रहा है। चंद्रयान 3 से जुड़ी हर तरह का सवाल हर भारतीय के मन में उठ रहा है कि चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों भेजा गया? चांद पर पहुंचकर चंद्रयान क्या करेगा? क्या यह धरती पर वापस आएगा? और यह मिशन कितने दिनों का है, एटसेट्रा। चलिए हम इन सब सवालों का जवाब जाने। पहला सवाल, कितने दिनों का यह मिशन है? चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर लैंड हुआ। इसके बाद यह चंद्रमा पर टोटल 14 दिनों तक चंद्रमा के बारे में रिसर्च करेगा और जो जानकारी मिलेगी उसे धरती पर इसरो के डाटा सेंटर में भेजेगा। 14 दिन इसलिए क्योंकि चांद पर 14 दिन की दिन और 14 दिनों की रात होती है। 23 अगस्त से 5 सितंबर तक चांद की दक्षिणी ध्रुव पर दिन का समय होगा, इसलिए यह मिशन 14 दिनों के लिए यानी चांद पर एक दिन के लिए भेजा गया है। 14 दिनों के बाद चांद के साउथ पोल पर रात हो जाएगी, जिसके बाद इस रीजन में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। तब लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया जाएगा। जब फिर दिन होगा तो लैंडर और रोवर फिर से काम करना चालू कर देगा, अगर ये -200 डिग्री सेल्सियस तापमान से बच गया तो। चंद्रयान 3 में कितना खर्च आया है? तो हम आपको बता दे कि चंद्रयान 3 में टोटल लागत 615 करोड़ रुपए आई है। वही चंद्रयान 2 मिशन में कुल खर्च 978 करोड़ रुपए आए थे। अब इस मिशन में चंद्रयान 2 से कम लागत इसलिए आई है क्योंकि इसे चंद्रयान 2 से कुछ अलग बनाया गया है। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। वही चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं बल्कि इसके जगह पर प्रोपल्शन मॉड्यूल है और लैंडर और रोवर है, और इसमें चंद्रयान 2 का भी बहुत कुछ समान उपयोग हुआ है। साउथ पोल पर ही इसे क्यों भेजा गया? तो इसका जवाब यह है कि चंद्रमा का पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है।
यहाँ कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के रूप में अभी भी पानी हो सकता है, क्योंकि भारत के चंद्रयान 1 मिशन में 2008 में चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत मिला था। क्या चंद्रयान 3 वापस धरती पर आएगा? इसका जवाब है नहीं। चंद्रयान 3 मिशन रिटर्न मिशन नहीं है, यह वहीं पर रहकर जानकारी इकट्ठा करेगा और धरती पर इसरो के डाटा सेंटर में भेजेगा। प्रोपल्सर मॉड्यूल और बीटर से अलग होने के बाद चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से चांद का चक्कर लगाएगा और अनुमान है 5 सालों तक चक्कर लगाता रहेगा। लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर क्या काम करेगा? इस मिशन में चांद पर जो लैंडर और रोवर भेजा गया है, ये दोनों का वहाँ पर अलग अलग काम करना है। लैंडर से बाहर आने के बाद प्रज्ञान हर रोज चांद की सतह पर 500 मीटर की दूरी तय करेगा और चंद्रमा की सतह का स्टडी करेगा। इससे खगोलीय पिंड के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है। प्रज्ञान चांद की सतह पर मौजूद अहम तत्वों को जैसे मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन आदि के बारे में जांच करेगा और ये खास तौर पर चांद के पर्यावरण और दिन रात के सागर आदि के बारे में स्टडी करेगा। विक्रम लैंडर में 4 पिलोट्स लगे हुए हैं। रंभा चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चास्ट चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान का जांच करेगा। इल्सा लैंडिंग सतह के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा और एलआरए चांद की डायनेमिक्स को स्टडी करेगा। इतने सारे काम करना है लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रज्ञान 8वां रोवर होगा। इससे पहले 2 रूसी, 3 अमेरिकी और 2 चीनी रोवर से चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भारतीय होने पर और भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी सुपर पीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप ऐसे ही हमेशा वीडियो देखते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।